हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल अमित में। आज हम बात करने वाले हैं डीजी सेट को मैनुअली कैसे चालू करते हैं। कोई भी अगर डीजी है तो आप उसको मैनुअली कैसे चालू कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये डिस्प्ले आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या होता है, ये बटन क्या काम करता है, ये स्विच किसके लिए दिया रहता है, ये मीटर किसका है, मैं हर चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम ये हमारा डीजी सीरीज का जो वीडियो चल रहा है वो अभी बहुत सारा डीजी के ऊपर वीडियो आने वाला है, इसलिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे या वीडियो से संबंधित कोई भी शिकायत या जानकारी कुछ भी लेना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या वीडियो में कोई क्या दिक्कत है, या वीडियो आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये अभी देखिए 125 kVA का मैनुअल पैनल है। ठीक है दोस्तों, हम अभी आपको इस पर बताएंगे। आप इस पर अगर समझ जाएगा तो आपको लगभग हर डीजी में सेम आता है, ओनली किसी किसी में ये आपका डिस्प्ले पैनल जो होता है वो थोड़ा अलग रहता है, तो लेकिन ये चालू करने के लिए आजकल सब में सेम ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया है। एक दिया है हमको स्टॉप बटन, ठीक है, स्टॉप के बाद क्या है रीसेट, रीसेट के बाद मैनुअल, मैनुअल के बाद स्टार्ट, फिर ऑटो, फिर ओके। ठीक है, इधर देखिए जेनसेट रनिंग दिया है, रिमोट दिया है, शटडाउन दिया है, वार्निंग दिया है। ये हमारा क्या है KWH मीटर है। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्ट रीसेट का स्विच है, जैसे हमारा फॉल्ट आ गया तो उसको रीसेट करने के लिए। ये जो आपको है ये हमको लोड का सिग्नल देता है, जैसे हम डीजी चालू करने के बाद जब डीजी के ऊपर लोड डालते हैं तो ये सिग्नल ऑन हो जाएगा। अगर डीजी में कोई फॉल्ट है, कुछ अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट या कुछ भी ऐसे आ रहा है तो हमको ये सिग्नल ऑन होके शो करेगा, यहाँ फॉल्ट में भी शो करेगा डिस्प्ले में। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए डिस्प्ले में क्या आ रहा है, ये हमको वोल्टेज दिखा रहा है और फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखिए हमको यहाँ पे एम्पियर दिखाएगा, केवीए और एम्पियर, फिर क्या है तीनों का केवीए अलग अलग दिखाएगा क्या लोड है, फिर हमको वायल प्रेशर दिखा रहा है, कूलेंट का टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज, यहाँ पे इंजन का रनिंग आवर है, कितना घंटा इंजन मतलब रन हो चुका है, ये हमारा अगर कोई फॉल्ट है तो यहाँ पे बताएगा। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे, एक आता है ऑटो का। ठीक है दोस्तों, ये ऑटो स्विच का क्या काम होता है, मान लीजिए हम अगर आप ऐसे ऑटो को ऑन कर देंगे तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब जब ये ऑटो में लग जाएगा तो इसको हम रिमोट स्टार्ट, जैसे इसमें देखिए एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिमोट स्टार्ट का, तो जब हम ऑटो में इसको लगा देंगे तो क्या होगा, ये हमारा रिमोट के थ्रू ही चालू होगा, और ये जब तक रिमोट के थ्रू तब चालू होगा जब तक इसको हम ऑटो में नहीं डालेंगे, जब तक यहाँ से ऑटो में नहीं डालेंगे तो ये रिमोट भी काम नहीं करेगा। इसलिए हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको, इसमें रिमोट कैसे कहाँ से आप लगा सकते हैं, रिमोट से कैसे चालू होगा, उसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको इसे ऐसे बता दे रहा हूँ, अगर आपको डीजी को रिमोट से चालू करना है तो यहाँ पे ऑटो में डालना बहुत ज़रूरी है, अगर ऑटो में नहीं रहेगा तो आपका रिमोट भी काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ओके, इसका क्या काम है, जैसे देखिए आप ये डिस्प्ले में देख रहे होंगे ये कंटिन्यू अपने आप चेंज हो रहा है, जैसे अब यहाँ वोल्टेज दिखाया तो यहाँ एम्पियर दिखाया, फिर इसके बाद केवीए आएगा, ऐसे करके चलते रहता है हरदम वायल प्रेशर का। अब देखिए जैसे सोचिए हमको रीडिंग लेना है, हम इसको क्या करेंगे यहाँ ओके करेंगे, जब इसको ओके करेंगे तो ये डिस्प्ले का जो अभी देख रहे थे आप अपने आप चेंज हो रहा था, अब चेंज नहीं होगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। ऐसा क्या है, अगर आपको कुछ भी जैसे अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है, जैसे एक मिनट में डीजी का क्या वोल्टेज कितना अप एंड डाउन हो रहा है, लोड क्या ले रहा है, उस कंडीशन में क्या है ऐसे तो ये आगे बढ़ते रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए जो पॉइंट को आपको मतलब देखना है उस पर ला के आप ओके को क्लिक करिए, वो वहीं पर रुक के आपको जितना टाइम भी उसको देखना है आप उसको देख सकते हैं, वहीं पे रुका रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप रीडिंग भी इसका ले सकते हैं, ये आपको बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ओके को क्लिक करेंगे ये फिर अपने आप देखिए इमरजेंसी स्टॉप ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये चालू कैसे होता है। ठीक है, जैसे आपको मैनुअली अगर डीजी यहाँ से डिस्प्ले पैनल से चालू करना होगा तब कैसे आप इसको चालू कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले स्टॉप बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टॉप बटन क्लिक करने के बाद अब हमारा आता है रीसेट, रीसेट के बाद मैनुअल, मैनुअल के बाद तब स्टार्ट, हम इसको एक बार ऐसे रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने के बाद कहाँ जाएंगे, मैनुअल में। ठीक है, अभी देखिए आपको मैनुअल के ऊपर एक लाइट ब्लिंक कर रहा होगा। अब मैनुअल के बाद ये हमारा आता है स्टार्ट, अब क्या करेंगे हम स्टार्ट को क्या करेंगे एक बार ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम ऐसे स्टार्ट को, एक मिनट, ये हमारा मैनुअल हो गया, ये हमारा स्टार्ट हो गया। अभी देखिए स्टार्ट करने के बाद हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों,
बैटरी का ऑयल प्रेशर दिखा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, हमारा बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे फॉल्ट में ये इमरजेंसी स्टॉप का कुछ नहीं दिखा रहा, फॉल्ट में भी कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे वोल्टेज आपको लाइन न्यूट्रल में सिंगल फेज में 240, लाइन टू लाइन 415 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। देखिए स्टॉप बटन जैसे दबाएं डीजी अपने आप क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा KWH मीटर होता है, यहाँ पे हमको कितना घंटा में, एक घंटा में कितना किलोवाट हम खर्च कर रहे हैं ये इसमें शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी शिकायत है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इलेक्ट्रिकल अमित को। इसके बाद जो भी हमारा डीजी सीरीज का वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।